और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम उसको एज ए फील्डर ही खिलाते थे जब छोटा भी था। तो इसको ये था कि शूज़ वगैरह, क्योंकि आपको पता है एक्सपेंसिव होते हैं, सेकंड हैंड शूज़ लिए थे किसी लड़के थे, तो इसने जमा किए हुए थे पैसे, तो उसने इसको मेरे ख्याल में ज्यादा प्राइस में दे दिए थे, 10-12 हज़ार के दे दिए, हालांकि न्यू भी उस टाइम 8-10 हज़ार के थे। जब भी मैच होता था ना, छोटा बड़ा जितना भी जो भी मैच हुए थे ना, तो अम्मी रोजे रखती थी। कौन सी गाड़ी ली थी? होंडा BRV। चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, नया घर लिया था। जब शदाब चैंपियन ट्रॉफी से बाद में आया था, तो हम हार्डली रात को सोए भी हों, क्यों जो घर के बाहर लोग खड़े होते थे, कहते थे हमने मिलना है। गांव में गए थे मियाँ वाली कमर मशानी, तो उधर तो 3 दिन हम ईद के तीनों दिन आप मानेंगे नहीं सुबह बैठते थे, मींस लोग सेल्फियों वाले इंटरव्यू वाले ये वो आते थे। कोई ऐसा क्रिकेटर जो उनका सबसे ज्यादा करीबी दोस्त है? हसन अली है वो तो। अच्छा। जी जी वो तो सब शरारतें स्क्रीन पर भी नजर आती। जी जी वो उसी तो कभी यहाँ पे घर जी भी आते? 2-3 दफा आए। उनकी मिसेज भी आई थी, वो खुद भी आए थे। नाजरीन, इस वक्त क्रिकेट के मैदानों में शादाब खान छाए हुए हैं, हर तरफ उन्हीं की बात हो रही है, पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किन तकलीफ़ों के बाद और किन कितनी बड़ी जिद्दोजहद के बाद वो यहाँ पर पहुँचे हैं, ये आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इसके लिए मेरे साथ बहुत ही खसूसी तौर पर जो शादाब खान के भाई हैं महताब खान, मेरे साथ मौजूद है। मैं लाहौर से आया हूँ इस्लामाबाद, ताकि का खुसूसी इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर सकूं। मेहताब भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मेहताब भाई, थोड़ा सा शादाब खान के जो बचपन है उस हवाले से बात करना चाहूँगा। पहले तो बताइएगा कि आपका भाई ताल्लुक कहाँ पर है और शादाब खान का जो बचपन है वो कैसा गुजरा है? जी बिस्मिल्लाह, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लाहौर से इधर आए। ये है कि हमारा बचपन तो हम पहले पैदा शादाब मियाँ वाली में हुआ, मियाँ वाली के गाँव कमर मशानी से हमारा तल्लुक है, और इब्तदाई हम ज़िंदगी उधर ही उसने गुजारी है, मीन्स खेलना कूदना जो भी होता है। बचपन से शरारती तो ऐसा सच नहीं था, लेकिन उसको क्रिकेट का शौक पहले ही से था। अच्छा। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम उसको एज ए फील्डर ही खिलाते थे जब छोटा भी था, तो मीन्स जब बचपन में भी था ना, वो बहुत अच्छा फील्डर था। अच्छा। जितने एज गैप वाले उसके थे। अच्छा। तो ये था, फिर हमने हमारे बड़े भाई इधर इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उसकी वजह से हमें इधर शिफ्ट आउट करना पड़ा 2007 के 8 के स्टार्टिंग में। तो उधर से ये हुआ कि इधर हम मैं भी क्रिकेट खेला हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पे, और मेरा बड़ा भाई भी यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला। ठीक है। तो इससे ये हुआ था कि उसको पहले से शौक था, हमारे अम्मी अब्बू ये बहन भाई हम सुबह अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मैचेस होते थे तो आपको तो पता है 3-4 बजे मैच शुरू होता है, तो हम सुबह उठ के मैच देखना वो रूटीन हमारी होती थी, स्कूल से आना फिर क्रिकेट खेलना, भाई क्रिकेट हमारे खून में पहले से था पहले। अच्छा। तो शदाब उसी तरह शौक पड़ा, फिर फील्डिंग करते करते, पहले तो वो इतनी तवज्जो नहीं देता था, मीन्स क्रिकेट खेलने पे, फील्डिंग पे तवज्जो देता था, क्रिकेट खेलने पे तवज्जो नहीं। फिर 2008 में हम इधर आए थे, हमने अपना क्लब बनाया। अच्छा। नियाजी 11, उसमें हमारे कज़न होते थे, हम खुद थे, मेरे दो भाई, एक भाई था, तो हम वो नियाजी 11 खेलते थे, हमारे घर के पास हम डोग मटक्यार रहते थे रावलपिंडी में। अच्छा। तो उसके पास है रेलवे ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है। तो उधर हम वैसे ही शुगल में मैच लगाते थे उधर क्लब्स के साथ, हालांकि हम प्रैक्टिस नहीं करते थे, क्योंकि हम कोई कॉलेज स्टूडेंट था, कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, तो इसलिए हम उनके साथ खेलते थे। वो फिर उसमें भी हम शदाब को एज ए फील्डर ही यूज़ करते थे हार्ड बॉल में भी। अच्छा। तो इससे ये हुआ कि जिन क्लब के साथ हम खेलते थे ना, तो वो जब शदाब को देखते थे ना, तो वो कहते थे या ये बहुत अच्छा है, मीन्स इसको आप आगे लेके जाओ, इस पर मेहनत करो, मीन्स ये क्रिकेट खेले। ठीक है। तो उसी गुलाम ने ना इसको फिर कहा है कि आप इधर आ जाया करो, हमारे साथ खेला करो, मीन शुगल मेले में खेला करो। सही है। तो इस तरह होते होते फिर उधर से क्रिकेट शुरू कर दी थी रेलवे ग्राउंड से। यानी आपने नहीं खिलाया, सीरियसली क्लब वालों ने हाँ, उसको बुला के खिलाया। नहीं, हमारे साथ खेलता था, लेकिन ऐसा हार्ड बॉल हम खेलते थे, लेकिन वो एज ए फील्डर खेलता था, क्यों जो मैं जब वो बात कर रहा हूँ ना, तकरीबन हार्डली 10 साल का होगा, 9 साल का। अच्छा। 9-10 साल का बच्चा तो वैसे भी बॉल नहीं पकड़ सकता। ठीक है। तो वो हार्ड बॉल में अच्छी खासी फील्डिंग कर लेता था उस टाइम भी। ठीक है। तो ये जी 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 तो उस दौरान जो उनकी एजुकेशन है वो उनका फोकस था या क्या, कहाँ तक एजुकेशन का? अम्मी अबू हमारे पे बहुत जोर देते थे कि एजुकेशन भी करनी है, हम खेलते भी थे, ऐसे हम यूनिवर्सिटी में भी जब भी खेले हैं तो हमारे मार्क्स मीन हमें अच्छी लेने पड़ते थे, तभी हमें इजाजत मिलती थी खेलने की। शदाब का ये था कि छोटा था, लाडला भी था थोड़ा, तो पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान थोड़ा कम ही था, क्यों जो आप क्रिकेट खेलोगे या पढ़ोगे एक चीज़ होती है, तो इसलिए उसने आई थिंक
एट क्लास के नाइन्थ में था तो वो सेलेक्ट हो गया था रीजन बे रीजन अंडर 14 आई थिंक रावलपिंडी अंडर 14 में वो सेलेक्ट 15 या 14 थी उसमें सेलेक्ट हो जाता जब उसके पेपर होते थे तो वो उधर क्रिकेट खेल रहा होता था रीजन की तरफ से इस तरह होते होते अंडर 15 होता गया फिर ये अंडर 15 इसने परफॉर्म किया फिर अंडर 17 एक खेला रीजन रीजन की तरफ से अपने रावलपिंडी रीजन फिर उधर से इसने आई थिंक टॉप किया था फिर ये पाकिस्तान अंडर 17 में गया ठीक है दुबई में उधर खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया थी ठीक है फिर ये अंडर 19 का टूर्नामेंट हुआ था रीजन का तो ये फर्स्ट नंबर पे विकेट्स में भी था आई थिंक और बैटिंग में सेकंड नंबर पे था तो इधर से ये अंडर 19 में फिर पाकिस्तान गया फिर इस तरह करते करते तो मेहताब भाई जब शादाब भाई जो हैं वो जब सीरियस हुए कि मैंने अब क्रिकेटर ही बनना जी है जी। वो कौन सा लम्हा था और उस वक्त आपकी फैमिली के क्या तासुरात थे कि ठीक है ये क्रिकेटर बने या आप चाहते थे कि वैसे तो ये था कि मैंने क्रिकेटर बनना था हम जब गाँव अच्छा, से आप बनना चाहते थे शिफ्ट आउट हो रहे थे ना जब इधर आ रहे थे रावलपिंडी तो हमारा माइंड ये था कि बड़ा भाई पढ़ेगा मैं अच्छा पढ़ूंगा भी सही लेकिन एकेडमी में क्रिकेट भी खेलूंगा तो मैंने जब यूनिवर्सिटी पे स्टार्टिंग की थी तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बड़ी टफ होती है जी जी। पढ़ने में इसी तरह तो मैंने क्रिकेट को फिर खैर बात कह दिया मैंने कहा अब मुश्किल ही हो जाएगा दोनों चीज़ें मैं नहीं कर सकता तो उससे ये था कि शादाब का ये था कि हम ये है कि खुली छूट नहीं थी उसको अच्छा मीन इस तरह जाए और कोई पूछे ना उसको ये वाला सीन नहीं था ठीक है मीन थोड़ी थोड़ी इजाजत कुछ बंदों की तरफ से घर में इजाजत थी और कुछ उस पर सख्ती करते थे ठीक है ताकि मीन एक लेवल पे रहे ना सही है तो इस तरह था अम्मी इसकी इसको सपोर्ट करती थी अबू मना करते थे या एक भाई सपोर्ट करता था एक मना करता था इस तरह हम करते थे उसका खर्चा कौन चलाता था खर्चा तो अम्मी अबू सही है जी जी अच्छा तो मेहताब भाई मुझे थोड़ा सा बताएं कि इस अरसे में जब तक के क्रिकेट से उनकी अपनी आमदनी नहीं आना शुरू हुई जी जी। या आपको लगा कि अब ठीक है ये क्रिकेटर बन सकते हैं जी जी। उससे पहले वाला जो फेज है जब वो इसी तरह शुगल में खेल रहे हैं जी या जी, थोड़ी इजाजत है थोड़ी उनको रुकावट होती है तो इस दौरान उनको मुश्किलात कुछ पेश आई कोई मुश्किलात तो ऐसा नहीं थी क्यों जो हमारे अबू फॉरेन में थे तो उधर जॉब करते थे तो ऐसा हमें फाइनेंशियली इश्यूज नहीं थे हम मींस नॉर्मल फैमिली से हैं ना इतने ऊपर गए ना नीचे गए थे तो इसको ये था कि शूज़ वगैरह क्योंकि आपको पता एक्सपेंसिव होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं स्पाइक्स वगैरह क्रिकेट के लिए तो उसमें लेने में इश्यूज़ होते थे बैट वगैरह में इश्यूज़ होते थे लेकिन ये है कि हम कर देते थे कोई इशू नहीं था ऐसा कभी ऐसा हुआ कि बैट लेने के लिए या शूज़ लेने के लिए कुछ शरारत की हो अम्मी के पैसे उठा लिए हो जैसे हम कुछ क्रिकेटर्स का सुनते हैं जैसे रिजवान का वो उनके भाई बता रहे थे कि उन्होंने टीवी बेच दिया था अपनी किट मुकम्मल करने के लिए तो ऐसा कभी शादाब ने कुछ शरारत की है नहीं नहीं शादाब ने ऐसा कुछ किया था नहीं था लेकिन मेरे ख्याल में इसने मेरे ख्याल में सेकेंड हैंड शूज़ लिए थे किसी लड़के से तो इसने जमा किए हुए थे पैसे अच्छा तो उसने इसको मेरे ख्याल में ज्यादा प्राइस में दे दिए थे 10-12 हज़ार के दे दी हालांकि न्यू भी उस टाइम 8-10 हज़ार के थे अच्छा तो उसमें घर आया था तो उसको कहा था हमने कि ये है, क्यों ले आया ये सही है इस सेंस में हुआ अदरवाइज उसने चोरी या इस तरह छुप तो, छुपा मेहताब भाई मुझे ये बताएं कि वो पहली कौन सी बड़ी खुशी थी जो शादाब खान की तरफ से आपको मिली कौन सी बड़ी जगह पे वो सिलेक्ट हुए या टीम का हिस्सा बने कौन सा लम्हा था जब पहली बार घर में जश्न हुआ शादाब के लिए जश्न तो एक तरह से बहुत खुशी मनाई गई जी जी बहुत खुशी थी पाकिस्तान ए में ये जब सिलेक्ट हुआ था ना जब ये आई थिंक 16 की बात है तो ये बाबर आजम उसके टाइम कैप्टन थे तो ये इंग्लैंड टूर पे गया थे उस टाइम फखर जमान भी था हसन अली भी था आई थिंक तो उस टाइम भी बड़ा नाम था कि मींस अभी हमारा भाई मींस पाकिस्तान ए में खेल रहा है काफ़ी ऊपर की बात है फिर ये आई थिंक इसका नाम जब ड्राफ्ट में आया ना PSL के सप्लीमेंट्री में तो उस टाइम हमारे घर वाले बहुत खुश हुए थे मीन आप इसका एक नाम होगा इफ सपोज वो परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान टीम में आने के चांसेस होंगे बहुत तो वो जो पहला मैच आपने देखा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जब पहली बार इतने बड़े इवेंट में शादाब स्क्रीन के ऊपर थे तो क्या फैमिली ने मिलकर वो मैच देखा था उस वक्त क्या जज्बात थे जी जी हाँ ये है कि अम्मी जब ये स्टार्टिंग में था तो अम्मी की तबीयत ठीक होती थी उस टाइम तो ये जब भी मैच होता था ना छोटा बड़ा जितना भी जो भी मैच हुए थे ना तो अम्मी रोजे रखती थी अच्छा उस दिन रोजा रखा होता था उन्होंने थे दुआएं होती थी स्पेशल तो इस तरह पहला मैच जब खेला था तो आई थिंक इसने परफॉर्म नहीं किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सही है
सही है। तो फिर इसको डीन जॉन्स ने कोई मशवरे और वसीम अकरम ने कोई आगे पीछे घर करके तो दूसरे मैच में ठीक हो गया था। इस तरह फिर करते करते तो जब वेस्ट इंडीज गया ना साउथ अफ्रीका में वो आई थिंक हाँ वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब इसका डेब्यू था पाकिस्तान की तरफ उस टाइम बहुत खुशी थी क्यों जो पाकिस्तान के कलर पहनना आपको पता है बहुत मुश्किल होता है 22 करोड़ आवाम है उसमें से एक बंदा सिलेक्ट होता है तो उसमें बड़ी खुशी थी। तो पहली बार जब आपने कहा कि परफॉर्म उन्होंने नहीं किया तो अम्मी जी ने रोजा रखा हुआ है पूरी फैमिली बैठी हुई है टीवी के सामने तो वो कितनी उस वक्त फिर मायूसी हुई या दिल बर्दाश्त आप लोग हुए कि यार ये तो है आपको शायद आइडिया नहीं होगा कि हमारे लिए मैच बड़ा मुश्किल होता है देखना। अच्छा क्यों एक तो हमें टीम को जितवाना पड़ता है जी जी दूसरा शदाब का परफॉर्म करवाना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल होता है जब परफॉर्म नहीं करता ये है कि शदाब का ये बिलीव है कि वो अल्लाह पे तवक्कुल ज़्यादा रखता है तो ये होता है कि इफ सपोज एक दिन नहीं हुआ दूसरा दिन होगा अल्लाह करेगा खैर होगी ये वो तो अपनी मेहनत जारी रखता है तो परफॉर्मेंस आगे पीछे हो ही जाती है वो। ठीक है जी जी। अच्छा मेहताब भाई मुझे ये बताएं कि जब इस तरह वो कौमी टीम में सेलेक्ट हुए तो शोहरत के साथ साथ दौलत भी आना शुरू हुई तो उस वक्त कौन सी ऐसी छोटी या बड़ी ख्वाहिश थी जो शादाब खान ने पूरी की या आपके लिए कुछ ऐसी बड़ी एक सरप्राइजिंग कोई चीज़ लेकर आए हों या कोई ऐसी उनकी ख्वाहिश थी जो जैसा आप बता रहे हैं कि जूते लेना बड़े मुश्किल होते थे कोई ऐसी ख्वाहिश जब नई नई दौलत आना शुरू हुई तो उन्होंने पूरी की। पहली हमने गाड़ी ली थी आई थिंक। अच्छा हाँ जब भी पैसे आए थे तो हमने मिला मलूक जो भी थे तो हमने गाड़ी ली थी। अच्छा। तो उसके बाद हमने आई थिंक चैंपियन ट्रॉफी जीते थे तो नया घर लिया था। अच्छा। जिसमें आप अभी गए थे जी जी तो यही था फिर तो चीजें नॉर्मल ही हो जाती। कौन सी गाड़ी ली थी? BRV होंडा BRV। ठीक है जी जी। तो वैसे काफी शौक है शादाब भाई को गाड़ियों का? गाड़ियों का ऐसा शौक नहीं है लेकिन जो गाड़ी भी मीन जो लेटेस्ट हो जो अच्छी हो तो वो मीन उसको मैं क्यों जो हमारा काम ही यही है तो हम उसको दे देते हैं चला लेता है तो फिर ठीक है जी जी। तो मेहताब भाई मुझे बताएं कि जैसे अब शोहरत भी आना शुरू हुई और दौलत भी आना शुरू हुई जैसे आपने बताया कि आपका एक एवरेज घराना था बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं तो जब माशाल्लाह से एक स्टार बने वो और पैसे भी मिलने शुरू हुई तो फिर वो जो जिंदगी का शिफ्ट आया है उसको आप किस तरह से बयान करेंगे कि एक दफा शादाब खान जा रहे हैं और कोई जानता भी नहीं है फिर जा रहे हैं और लोगों का जम्मे गफीर जमा हो गया है तो उसको किस तरह से बयान करेंगे उस शोहरत और ये है कि हमारी ये मीन्स परवरिश इस तरह हुई है कि मीन्स हम थोड़े इस्लामिक बेस्ड है ना। अच्छा। तो हम चीजों को इस तरह करते हैं कि इफ सपोज अल्लाह ने कुछ दिया है तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं मीन्स हम आउट ऑफ द वे नहीं चले जाते कि मीन्स रूड हो जाना लोगों के साथ ये हो जाना तो ये है कि हम डाउन टू अर्थ रहते हैं मीन्स जो है तो अल्लाह ने दिया है वो दे भी सकता है ले भी सकता है तो इस सीन में हम ज़्यादा करते हैं बिलीव करते हैं तो इसलिए ऐसा डिफरेंस आया तो है क्यों जो हम जब पुराने घर में रहते थे तो जब शदाब चैम्पियन ट्रॉफी से बाद में आया था तो हम हार्डली रात को सोए भी हों क्यों जो घर के बाहर लोग खड़े होते थे कहते थे हमने मिलना है ये है वो है हम फिर गांव में गए थे मियाँ वाली कमर मशानी तो उधर तो तीन दिन हम ईद के तीनों दिन आप मानेंगे नहीं सुबह बैठते थे मीन्स अच्छा। लोग सेल्फियों वाले इंटरव्यू वाले ये वो आते थे और हम शाम उधर ही कर देते थे तो ये है कि मुश्किल तो होती है जी जी। जो लोगों को फेस करना तो पड़ता है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब रूटीन में जब वो घर आते हैं तो आपके दोस्त वगैरह कहते होंगे कि यार एक सेल्फी बनवा दो शादाब के साथ तो हर वक्त बनवा लेते हैं या कभी कभार कहते हैं यार मैं थक गया हूँ अभी तो आया हूँ नहीं उसकी आदत अच्छी है कि हम ये लोगों को कहते हैं कि मीन्स आप इस टाइम फ्रेम में आ जाएं हाँ, तो अच्छा यार सुबह 10-11 बजे हाँ हमारे लिए भी यूज़ होगा आपके लिए भी इफ अगर घर में नहीं भी होता तो हम अम्मी भी कह देती हैं ये कोई आ भी जाए तो हम कहते हैं कि इस ग्राउंड में होगा उधर चले जाएं उधर जाके बनवा लें। सही है। अच्छा मेहताब भाई क्रिकेट में तो आपको पता है डाउन फॉल और राइज चलता रहता है कभी उरूज कभी फॉर्म आ गई कभी चली गई तो एक तो होता है कि सब स्टारडम को आपकी तारीफ कर रहे हैं इज्जत दे रहे हैं लेकिन जब तनकीद होती है कि फार्म चली गई है आप मीडिया पर भी देखते हैं कि हमारा मीडिया तो वैसे ही बहुत हाइप देता है थोड़ी सी फार्म चली गई है तो वो कितना आपके लिए कितना मुश्किल मरहला होता है और जब शादाब भाई घर पे होते हैं तो जब ये इतनी सारी तनकीद हो रही होती है या क्रिटिसिज्म हो रहा होता है तो उनके क्या तासरात होते हैं? हमारे लिए तो कुछ बेहतर है क्यों जो मैं और बड़ा भाई क्रिकेट खेले हुए हमें तो पिछले अंदाजा है कि मीन्स फार्म डाउन है जे डाउन है इंजरी बेस्ड है कोई विकेट अच्छा नहीं मिला स्पिन नहीं हो रहा ये वो तो अम्मी और घर वालों के लिए ना ये बात और सिस्टर्स के लिए ये बात समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्यों जो उनको नाउ हाउ क्रिकेट जितनी नहीं है जितनी हमें है
तो उस बात से बड़ी परेशान होती हैं, तो फिर उनको समझाना पड़ता है, खैर है उनका भी काम है तनकीद करना। सही है, उन्होंने भी कुछ मीडिया पे को थोड़ी सी सख्त बात किसी ने कर दी तो फिर घर वाले जाएं जी जी परेशान होते हैं, लेकिन फिर अभी अरसा काफी हो गया तो समझ गए चीजों को, यूज्ड टू हो गए। अच्छा मुझे आखिर में एंडिंग की तरफ चलते हैं, तो थोड़ा सा जब घर में होते हैं शादाब भाई तो उस वक्त उनकी क्या रूटीन होती है, क्या दोस्तों के साथ उठना बैठना होता है, आपको कितना टाइम देते हैं और प्रैक्टिस को घर में होते हुए कितना टाइम देते हैं? ये है कि उसका ये है कि सुबह हमारी रूटीन है कि हम जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं। जी जी, तो उससे ये फायदा होता है कि हमारे पास टाइम बहुत होता है, सुबह भी टाइम होता है शाम को। सुबह वो आई थिंक 8-9 बजे चला जाता है प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, इफ सपोज मैच नहीं है तो फिर 11-12-1 बजे तक वापस आ जाता है, अदरवाइज वो शाम को ही वापस आते हैं। फिर ये कि सुबह का टाइम और शाम का टाइम फैमिली के साथ होता है, या उसके अपने सिद्दीक अकबर क्लब है ना उसके क्रिकेट का, उसके लड़के आए होते हैं उनके साथ गपशप, ये वो टीवी वगैरह देखना। तो मेहताब भाई वैसे तो उनकी सबके साथ हमें बड़ी अच्छी केमिस्ट्री नजर आती है, सबके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन कोई ऐसा क्रिकेटर जो उनका सबसे ज्यादा करीबी दोस्त है, घर भी आता जाता हो या ये उनके घर जाते हो, वो कौन? हसन अली है वो तो। अच्छा जी जी, वो तो शरारतें स्क्रीन पर भी नजर आती है। जी जी, वो कभी यहाँ पे घर भी आते हैं? 2-3 दफा आए, उनकी मिसेज भी आई थी, वो खुद भी आए थे। ठीक है, आते जाते हैं। तो मेहताब भाई थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपको याद है कि शादाब खान को पहली पेमेंट जो थी कुछ चेक वो कितना मिला था, कुछ याद हो? पीएसएल की जानिब से या पीएसएल तो नहीं था, की जानिब से इसको रीजन में अंडर 15 था या अंडर 16 पिंडी रीजन से। अच्छा, 20-25 हजार ही मिले आपको? पार्टी दी थी फिर? नहीं, पार्टी तो नहीं थी, अम्मी को ही दिए थे। अच्छा, मोस्टली ये जो भी मिले तो इसको अम्मी को ही ले दे थे। तो मेहताब भाई थोड़ा सा उनकी मैं ज़ाती शख्सियत के हवाले से भी चाहूंगा कि आप नाजरीन को बताएं कि क्या मतलब गुस्सा भी कभी आ जाता है या हर टाइम कूल रहते हैं? मतलब उनको गुस्सा ऐसा सच आता नहीं है, लेकिन जब आ जाए तो काफी सख्त किस्म का गुस्सा होता है। अच्छा, गुस्सा इस बात पे आता है कि इफ चीजें क्रिकेट फील्ड पे ये होगा कि मैं कोई पूरा एफर्ट नहीं कर रहा या वो कर सकता है और कर नहीं रहा, तो उस सेंस में गुस्सा आता है। घर में वो कूल एंड काम ही होते हैं। ठीक है, करते हैं। तो स्पेशल उनकी वैसे डिश कौन सी है जो खास तौर पे जब बाहर से आ रहे हैं तो कहेंगे ये पकानी है, या आपको भी पता होगा जारी बात है? नहीं, वो जो अम्मी जो भी बना दे, मैं सब्जियां जो भी सब्जी हो गई, चिकन स्टेक्स, अच्छी स्टेक्स भी खा लेता है वो, इधर और ज्यादा स्टेक्स भी खाते हैं। अच्छा, भिंडी गोश्त भी खा लेते हैं वो। वैसे एक दफा ना सईद अजमल साहब को इंटरव्यू दे रहे थे तो मैं कुछ दिन पहले ही सुन रहा था, कहते हसन अली भी थे उसमें, तो कहते अब हम मम्मी डैडी बच्चे हो गए तो हम ज्यादा स्टेक्स ही खाते हैं, वो शुगर के लिए बता रहे थे। तो थोड़ा सा मेहताब भाई चैंपियन ट्रॉफी की पहले भी हम बात कर रहे थे, इतना बड़ा वो तारीखी लम्हा था, उसको अगर आप थोड़ा सा और बताएं कि जब वो जीते आपके क्या जज्बात थे, जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे, फिर जब वो आए वो क्या वो लम्हा था, उसको किस तरह से बयान करेंगे? तो हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं हमारा भाई और इतने बड़े लेवल पे चला गया, और अल्लाह ने ऐसा किया है कि पहले ही दूसरे टूर पे चैंपियन ट्रॉफी जीत के आ रहा है और पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में नाम मशहूर हो गया। जी जी, तो उस पे शुक्र करते थे। और दूसरा ये लोग आते थे इधर एयरपोर्ट पे जब हम लेने गए थे, उधर भी बहुत जम्मे गफीर था, लोग बहुत ज्यादा थे, तो बड़ी मुश्किल से हमने गाड़ी उधर से निकाली थी। फिर हम पुराने महल्ले गए थे, उधर भी बड़ी मुश्किल से हमने गाड़ी अंदर खड़ी की थी। तो वो जो विराट कोहली का कैच पकड़ा था वो क्या लम्हा था, वो तो जरा बताएं। वो जब आप बैठे हुए थे स्क्रीन के सामने, जब बैठे हुए थे तो फाइनल चला हुआ था आमिर की बाल, जब अजहर भाई ने अजहर अली भाई ने कैच छोड़ा तो मैंने कहा अल्लाह ना करे यार ये खड़ा हो गया ना तो पूरा मैच साइड पे करके चला जाएगा। तो ये है कि दूसरी बॉल में जब शादाब गया तो कैच हालांकि मुश्किल था, उसने जम मारी है तो अल्लाह का करना हुआ है कि हाथ में आ गया और अच्छे तरीके से हो गया था। इसी तरह अच्छा मेहताब भाई काफ़ी कोशिश की कि मैंने उनकी ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारी बातें करूं, तो आखिर में मुझे बताएं कि अब आपके शादाब भाई के हवाले से क्या ख्वाब हैं और उनके साथ आपकी जो डिस्कशन होती है उनकी क्या ख्वाब हैं कि मैंने ये करना है अब अपने करियर में? उसका यही होता है कि सपोज इफ सपोज परफॉर्मेंस हो भी रही है ना, उससे टीम नहीं जीत रही ना, तो वो उससे बिल्कुल खुश नहीं होता। अच्छा, सपोज वो 5 विकेटें ले लें या 50 स्कोर बना लें या 70 स्कोर, इफ सपोज उसने बहुत कम किया और टीम जीत रही है, उससे टीम को हेल्प मिल रही है टीम जीतने में, तो वो उससे बड़ा खुश होता है कि मेरी वजह से टीम जीत रही है। जी वो इंडिविजुअली वो तो होता ही रहता है, वो तो टीम गेम है, टीम चलाना पड़ता है काम। वैसे उसके ऐसा गोल नहीं है, वो कहता है कि मीन्स टीम जीतनी चाहिए,
टीम अच्छे माहौल में रहे, टीम जीते, अच्छे तरीके से लड़के खेलें, तो वो ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा मेहताब भाई, बिल्कुल आखिर में आप क्रिकेट को समझते भी हैं, आपने शादाब भाई की जिद्दोजहद भी देखी है, तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे या फैंस को कि जब कोई बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है, जब बंदा आउट ऑफ फॉर्म चला जाता है तो तनकीद बहुत होती है, उन लोगों को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे कि एक बंदा इतनी जिद्दोजहद करके आया है, क्रिकेट में ये उतार चढ़ाव भी चलता रहता है, तो आखिर में उनको अगर आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को यही कहना चाहूँगा, मीन्स थोड़ा सब्र कर लिए, मीन्स थोड़ा पेशेंस दिखाया करें, जिस तरह क्यों जो आप ये हर मैच में ना एक बंदा परफॉर्म नहीं करेगा, ये तो आप लिख लें मेरे से, क्यों जो फॉर्म एक बंदे की कम होगी दूसरा उसको रिप्लेस करेगा, इस तरह ही चलता रहता है। तो ये है कि थोड़ा मीन्स हार्श क्रिटिसिज्म करें लेकिन थोड़ा कंस्ट्रक्टिव हो, मीन पर्सनल लाइफ में ना जाएँ, जिस तरह अभी लोग चले जाते हैं, अभी जिस तरह विराट कोहली का मामला हुआ तो उधर इस तरह ना करें, मींस उनकी क्रिकेट बेस्ड जो भी क्रिटिसिज्म है वो करें, वो इशू नहीं है बंदों को। जी जी शादाब भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, थैंक यू। नाज़रीन कोशिश की हमने कि शादाब भाई के हवाले से वो सारी चीज़ें आपके सामने रखें, उनकी लाइफ के हवाले से, उनके बचपन के हवाले से, उनकी जिद्दोजहद के हवाले से, उनके घर में रूटीन के हवाले से, जो पहले आपके आप नहीं जानते, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर दिया। अल्लाह।